पहले जाना है तो कि नहीं सर? सर जितने भी मेरे नहीं, आपका भी टाइम है। प्रतिष्ठित मीडिया पैनलिस्ट बैठे हुए हैं और स्टेज पे बैठे हुए हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि मैं सबसे पहले जो आईपा के संयोजक हैं प्रेम कुमार जी, मनीष जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि इन्होंने हमें बुलाया और हमें समय दिया। जो मैं ये समझता हूँ जी, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स, जो प्रोग्रेसिवनेस का अर्थ ही मैं समझता हूँ, जो जो इंटरेस्ट ऑफ कॉमन मैन, जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, उसके बारे में हम बात करें, उसकी डेवलपमेंट के बारे में बात करें। और जो हमारे देश के अंदर जो राजनीति है, हम ये कहते हैं कि यथा प्रजा तथा राजा। प्रश्न ये है कि प्रजा कैसी हो और राजा कैसा हो। ये आईपा है जो हमको जागृत करने का काम कर रही है, लोगों को जागृत करने का काम कर रही है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य ये है, मैं किसी सरकार की बात नहीं करता, सरकार किसी पार्टी की नहीं होती, जब सरकार आ जाती है वो भारत की हर पार्टी की सरकार होती है और उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो सबके लिए काम करे। अगर मैं किसी दूसरी पार्टी, मैं पार्टी की तरफ से नहीं बात कर रहा ना, मैं पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं एक ना पार्टी बड़ी होती है ना व्यक्ति बड़ा होता, सबसे बड़ा देश होता है और सबसे बड़े देशवासी होते हैं। और देशवासियों के हित के लिए जो बात करी जाती है उसी बात को प्राथमिकता देनी चाहिए और जनता को उसका गलत बात का विरोध करना चाहिए। चाहे हम अपनी पार्टी में, अगर मेरी पार्टी कोई गलत काम करती है तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा उसको रिजाइन करने वाला। और ये भावना हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं कि जब तक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, माइक्रो इंडस्ट्री, छोटा दुकानदार, उसको डेवलप नहीं किया जाएगा, किसान को डेवलप नहीं किया जाएगा, मजदूर को डेवलप नहीं किया जाएगा, देश देश तरक्की नहीं कर सकता। आप बड़ी बड़ी कंपनियां, मैं कहता हूं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाए, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाए, लेकिन देश खोखला हो जाएगा। ये देश खोखला नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति के पास सारी सुविधाएं होनी चाहिए, सम्मान शिक्षा होनी चाहिए, सम्मान हेल्थ होनी चाहिए। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है, 75 साल के बाद भी आज हमारी जो शिक्षा है वो एक इंडस्ट्री बन गई है, हमारी जो हेल्थ है वो एक इंडस्ट्री बन गई है, शराब एक इंडस्ट्री बन गई है, ड्रग्स एक इलीगल इंडस्ट्री बन गई है। इसके ऊपर लगाम लगाने के लिए जनता को जागना पड़ेगा। जब तक आप विरोध नहीं करेंगे, देखिए हम लोग मानसिक तौर पे पिछड़े हुए हैं, ये हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जात के ऊपर, प्रांत के ऊपर, धर्म के ऊपर राजनीति होती है। पूरे संसार के अंदर जो राजनीति होती है वो मैनिफेस्टो के ऊपर होती है, वो डेवलपमेंट के ऊपर होती है, वो एजुकेशन के ऊपर होती है, वो हेल्थ के ऊपर होती है। अगर वो कोई काम नहीं करता उसको उठा के बाहर फेंक देती है जनता। लेकिन यहाँ पे ये कहा जाता है मैं कांग्रेसी, मेरा बाप कांग्रेसी, मेरा दादा कांग्रेसी, मेरा दादा बीजेपी का। देश के बारे में कौन सोचेगा? हम चाहे किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हैं, हम अगर अपना विरोध जाहिर करेंगे तो पार्टी को अपना डिसीजन बदलना पड़ेगा। मैं देखिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, मुझे आपने समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ।